सिंगरौली की, जहां चुनाव के बाद प्रत्याशियों की टेंशन ईवीएम रूम की हिफाजत करने को लेकर बढ़ गई है। अब प्रत्याशी 24 घंटे ईवीएम रूम की हिफाजत करने में डटे हुए हैं। कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी के वर्कर हार जीत से ज्यादा आशंकित हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर। वहीं जिले में कई दलों के हार जीत की चर्चा भी तेज हो रही है। नगर निगम चुनाव फर्स्ट फेज में 6 जुलाई को हो चुके हैं, लेकिन प्रत्याशियों की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। वजह हार जीत नहीं है बल्कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पूरा ही विपक्ष आशंकित है। वोटिंग होने के बाद से ही कांग्रेस, बसपा, आपके कई वर्कर दिन रात 24 घंटे 3 शिफ्टों में ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। महापौर उम्मीदवार, जहां आप पार्टी से रानी अग्रवाल, भाजपा से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, बसपा से वंश रूप शाह और कांग्रेस से अरविंद सिंह चंदेल, तो वहीं शिवसेना से भास्कर मिश्रा समेत कुल 12 प्रत्याशियों के हैं और 45 वार्डों के 236 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं, जो कि आगामी 17 जुलाई को काउंटिंग भी होनी है। लेकिन ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पूरा विपक्ष 24 घंटे पहरेदारी कर रहा है। चुनाव होने के बाद से ही हर गली, हर चौराहे में हार जीत की चर्चा चल रही है। किसी चौराहे पर आप तो किसी चौराहे में कांग्रेस, तो वहीं कहीं बसपा तो भाजपा के जीतने के दावे और कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अभी तो विपक्ष का पूरा ध्यान काउंटिंग तक ईवीएम के पहरेदारी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। पार्टी के द्वारा जो है, किस किस पार्टियों के हैं यहाँ? जो कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के हम लोग सुरक्षा में। यानी आप लोग तीन तीन शिफ्ट रहते हैं जी? हाँ जी। रात दिन आप लोग ईवीएम जो ये स्ट्रांग रूम में रखी है जी, इसके आप लोग सुरक्षा में? सुरक्षा में, तीनों सुरक्षा। और किसी तरह कोई आशंका? कोई आशंका नहीं है। ठीक है सर, ओके। चुनाव तो निश्चित तौर पर खत्म हो गया है। जो मतगणना और मतदान के बीच में ये लंबा समय है, इसमें हकीकत क्या है, लेकिन चूंकि शंकाएं सबको हैं कहीं ईवीएम में छेड़खानी ना हो, इसके मद्देनज़र अपने हिसाब से भी सुरक्षा में सारे दल के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन भी सुरक्षा के इंतजाम तो किया है, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से वहाँ पर्याप्त तो नहीं है। 3-4 गार्ड वहाँ पर ज़रूर हैं और दिन भर उनका बाहर वाला दरवाज़ा खुला रहता है, शाम को लोग 10-11 बजे बंद करते हैं। जो भी हो, लेकिन चूंकि अब धड़कने तो तेज़ हो रही हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या होगा, कहीं छेड़खानी ना हो ईवीएम में, बनी बनाई बात बिगड़ जाए, इस हिसाब से आप लोग पूरी तकवाई आपके लोग कर रहे हैं जी? सर, मानना यही है कि हम उसकी तकवारी करें, कहीं गड़बड़ न होने पाए, और हकीकत क्या है, क्या होगा, उसको नहीं कहा जा सकता।